पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और आपने देख लिया होगा कि विजुअल्स में वो तस्वीरें चल रही हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद करने के बाद अब नीतीश कुमार राजभवन की तरफ कुछ कर गए हैं और राजभवन में वो किसके किसके साथ हैं हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद नीतीश कुमार ने आज सुबह सवेरे ही फैसला कर लिया कि वो राजभवन जाएंगे। राजभवन जा करके वो इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल से वक्त मांगेंगे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण का। आपको बता दें कि इस बीच में सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलों पर विराम लग गया है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके करीबी लोग राजभवन की तरफ कुछ किए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने इसी तरह से राजभवन जाकर के इस्तीफा दिया था और वहां से सीधे वो पहुंचे थे राबड़ी आवास। वहां जाकर के उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी थी। आज भी वो कहीं ना कहीं राजभवन पहुँचे हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की चिट्ठी राजभवन में राज्यपाल को सौंपी होगी। जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि लगभग सब कुछ फाइनल है और चेहरे जो आज सुबह तक काफ़ी मुरझाए हुए थे अचानक से खिले हुए नजर आने लगे हैं और 9वीं बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। हम विजुअल्स के साथ आपको छोड़ करके जा रहे हैं, बाकी की खबरें भी भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। हमारी चप्पे चप्पे पर नज़र है, देखिए, देखते रहिए भारत लाइव और इन तस्वीरों को एंजॉय कीजिए। ताला खुला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे राजभवन तैनात किया गया और यहाँ पर देखिए बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देर तक वो बैठक नहीं करी है। जेटली के सामने विधायक विधान पार्षद मंत्री नीतीश कुमार राजभवन पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखिए बैठे समाज लगभग हो चुकी है, नीतीश कुमार के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। थोड़ी देर में पूरी तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।